दोस्तों, क्या आपने कभी केला खाया है? खाया क्या, कई बार खाया होगा आप ही क्या, हम सब ने केले खाए हुए हैं। केला एनर्जी से भरपूर होता है, खासतौर से बच्चे को इसे विशेष रूप से खाने की सलाह दी जाती है। लेकिन आपने केले खाते समय कभी ये सोचा है कि केला टेढ़ा ही क्यों होता है, ये सीधा क्यों नहीं होता? अगर आपने सोचा होगा तो शायद आपको इसका जवाब नहीं मिला होगा। और दोस्तों, आपने कभी इसके बारे में सोचा है कि बाजार में जो फलों और सब्जियां होते हैं उन पे कुछ स्टिकर्स लगे हुए थे, जैसे एप्पल आपने कभी कई बार देखा होगा जिसमें एक स्टिकर्स लगा होता है, ये क्यों होते हैं? तो चलिए आज मैं आपको इसी के बारे में बता देता हूँ। तो बिल्कुल बने रहिए मेरे साथ इस वीडियो में पूरे एंड तक, और वीडियो को बिल्कुल भी स्किप ना करें। नए व्यूअर चैनल को सब्सक्राइब तो कर लो और बाजू में दे घंटी को दबाकर ऑल सेलेक्ट कर लेना, और हाँ, वीडियो के नीचे दिए लाइक बटन को जरूर प्रेस कर लेना। दोस्तों, केला एक अलग ही प्रक्रिया से होकर गुजरता है। इस प्रक्रिया को निगेटिव जियोट्रोपिज्म कहा जाता है। इसे आसान शब्दों में पेड़ों के सूरज की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति कहते हैं। शुरुआती दौर में केला जमीन की तरफ ही बड़ा होता है, लेकिन फिर निगेटिव जियोट्रोपिज्म यानी पेड़ों के सूरज की तरफ बढ़ने की प्रवृत्ति के कारण वो ऊपर की तरफ बढ़ने लगता है, जिसकी वजह से उसका आकार टेढ़ा हो जाता है। अगर केले के बॉटनिकल हिस्ट्री पर हम नज़र डालें तो केले के पेड़ सबसे पहले रेन फॉरेस्ट के मध्य में पैदा हुए थे। वहाँ सूरज की काफ़ी कम रोशनी पहुँचती थी। फल के विकसित होने के लिए पेड़ों ने खुद को माहौल के हिसाब से ढाल लिया और सारे फल सूरज की रोशनी की तरफ बढ़ने लगे। इस तरह पहले जमीन की तरफ फिर आसमान की तरफ बड़े होने के कारण केले का आकार टेढ़ा हो गया। दोस्तों, चलो हमारे दूसरे फैक्ट के बारे में आपको बताते हैं। आजकल बाजारों में फलों और सब्जियों पर स्टिकर लगे होते हैं। हालांकि सही जानकारी न होने से अधिकांश लोग स्टिकर वाले फलों को महंगा समझकर उन्हें नहीं खरीदते हैं, जबकि हकीकत में ऐसा नहीं है। इन विशेष अंक वाले स्टिकर का संबंध सीधा सेहत से होता है। ये फलों की गुणवत्ता को बयां करते हैं। हर स्टिकर का अलग अलग मतलब होता है। ऐसे में आप अगर अगली बार मार्केट जाए तो इन स्टिकर को देख कर ही फल खरीदें। दोस्तों, फलों में एक PLU कोड चिपका होता है। फलों में चिपके कई स्टिकर में उनके दाम, एक्सपायरी डेट दर्ज होती है। इसके अलावा इसमें एक PLU यानी प्राइस लुकअप कोड होता है। यह कोड फलों की गुणवत्ता को दर्शाता है। PLU कोड में एक विशेष अंक से कोड की शुरुआत होती है। दोस्तों, कुछ फलों में 5 अंकों की संख्या वाले स्टिकर लगे होते हैं और उनका कोड 9 से शुरू होता है। 9 मीन 9 से शुरू होता है, जिसे स्टिकर पर लिखा होता है 93435। तो इसका अर्थ यह है कि ये फल जैविक रूप से उगाए गए हैं, इसलिए ये फल भले ही थोड़े कीमती हो लेकिन सेहत के लिए अच्छे होते हैं। वही कुछ फलों में 5 अंकों की संख्या वाले स्टिकर के कोड 8 से यानी 8 से शुरू होता है। तो जैसे इन स्टिकर पर 84131 लिखा होता है, ऐसे में साफ है कि इन फलों में अनुवांशिक संशोधन किया गया है। इस तरह के फल गैर ऑर्गेनिक फल की कैटेगरी में शामिल होते हैं और ये सेहत के लिए उतने ठीक नहीं होते जितने जैविक रूप से उगाए गए फल ठीक होते हैं। दोस्तों, कुछ फलों में 4 अंकों की संख्या वाले स्टिकर भी लगे होते हैं। इन स्टिकर पर जैसे 4026 लिखा होता है, इसका मतलब साफ है कि इस तरह के फल कीटकनाशक और रसायनों द्वारा उगाए गए हैं। इस स्टिकर वाले फल ऑर्गेनिक फलों की तुलना में काफ़ी सस्ते होते हैं। ये फल भी हमारे सेहत के लिए उतने अच्छे नहीं होते हैं। तो आई होप दोस्तों, आपको आज की जानकारी अच्छी लगी होगी। अगर वीडियो पसंद आया होगा तो इसे लाइक जरूर करें। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, और स्क्रीन पे जो आपको दो वीडियो दिख रहे हैं उनको आप जरूर वॉच कीजिए। तो मैं मिलता हूं आपको नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ। तब तक के लिए थैंक्स फॉर वॉचिंग, गुड बाय एंड टेक केयर।